मुक्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए भी बिहार सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सूबे के मुखिया खुद लोगों से दहेज प्रथा और बाल विवाह का बहिष्कार करने की अपील कर चुके हैं, लिहाजा धीरे धीरे ही सही लोगों की सोच में बदलाव दिखने लगा है। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, सरकार का सपना हो रहा साकार। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिहार सरकार की मुहिम अब रंग दिखाने लगी है। धीरे धीरे ही सही समाज में दहेज मुक्त शादी के विचार को आत्मसात करने और उस पर अमल करने को लेकर माहौल बनने लगा है। यही वजह थी कि गया में कई युवाओं ने दहेज के बिना शादी का संकल्प लिया और बुद्ध जयंती के मौके पर 12 जोड़े हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। फायदा हुआ, सभी लोग जनता के बिना दहेज का शादी किए, सभी नीतीश कुमार बिना दहेज प्रथा का शादी करवा रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह शादी करें और दहेज मुक्त शादी करें, इससे समाज को, लड़कियों को आगे बढ़ने की और पढ़ने के लिए मिल सकता। गांधी मैदान में युवक संघ द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, इसमें 12 जोड़ी वरवधू की शादी हुई। युवा संघ की ओर से हुए इस सामूहिक विवाह समारोह में न तो बड़ा तामझाम था न दहेज का आडंबर, थी तो बस खुशियां, नए जीवन के आगाज की चाह थी, बड़ों के आशीष की। इस खास मौके पर सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया कि इस बार जो शादियां हो रही है वो दहेज मुक्त है और बाल विवाह मुक्त है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर होगा। आज लगभग एक दर्जन जोड़ों का शादी संपन्न किया गया है। बाल विवाह मुक्त जो अभियान है जाकर के और तिलक दहेज मुक्त अभियान है, उसको युवाओं ने सबों के सहयोग से, प्रयास से एक बेहतर कार्य हुआ है। सामूहिक विवाह का ये समारोह उस बदलते बिहार की तस्वीर है जहां लोग सामाजिक कुरीतियों से जंग लड़ने के लिए अब तैयार हैं, तैयार हैं नई सोच को अपनाने और उसे अमल में लाने के लिए। जयप्रकाश कुमार, जी मीडिया, गया।